हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे वरासत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यानी कि दोस्तों आपके पुरखों की ज़मीन है तो आप अपने नाम वरासत कैसे करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट मैं दिखाऊंगा। जैसे कि आपके परिवार में आपके पिता या पति की मृत्यु हो जाती है, उनके नाम से ज़मीन या जो भी खेत है तो आप अपने नाम वरासत कैसे करेंगे, यानी कि अपने नाम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट मैं दिखाऊंगा। तो आप सभी जो कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन वरासत के लिए कर सकते हैं। तो किस तरह से वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट में दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव जो कि वरासत ऑनलाइन आवेदन करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूँ, वहाँ पर मैं ऑनलाइन आवेदन में दिखाता हूँ किस तरह से आप सभी जो कि घर बैठे ऑनलाइन आवेदन वरासत के लिए करेंगे और अपने पुरखों की ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो किस तरह से वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, चलिए इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जो अभी देख रहे हैं कि मैं अपने कंप्यूटर पे हूँ, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वरासत ऑनलाइन आवेदन करके बिल्कुल लाइव। इस वीडियो को आप सभी जो है देखते रहिए। तो इस तरह से अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है कि यहाँ पे जो है कि आप देख रहे हैं ब्राउज़र में सर्च में टाइप करेंगे वरासत ऑनलाइन, या दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे wad.up.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी डायरेक्ट आप सभी जो है कि आ सकते हैं। तो चलिए जो है कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वरासत ऑनलाइन, और इस वाली वेबसाइट पर चलेंगे wad.up.nic.in। देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे जो कि वरासत ऑनलाइन टाइप कर लेंगे। टाइप करने पर जो कि सर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे wad.up.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर चले आएंगे तो नीचे आप देख रहे हैं राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप सभी जो कि देख पाएंगे उत्तराधिकारी वरासत हेतु आवेदन पत्र। नीचे आप सभी जो कि देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है कि इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर पे OTP भेजें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा 5 अंक का, यहाँ पे OTP इंटर करेंगे। और नीचे आप सभी जो है कि देख रहे हैं कैप्चा दिया गया है, कैप्चा यहाँ पर भरेंगे, लॉगिन करें, इस पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। चलिए मोबाइल नंबर अपना इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जो है कि मोबाइल नंबर पे OTP भेजें। चलिए अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। तो इस तरह के आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। चलिए मेरे नंबर पे OTP आ चुका है, यहाँ पे OTP इंटर कर दिए। कमिंग बाद जो है कि यहाँ पे कैप्चा आप सभी जो है कि देख रहे हैं, चलिए कैप्चा भर देते हैं। कैप्चा भरने के बाद जो कि लॉगिन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक कर दिया हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराधिकारी वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवेदन की प्रविष्टि, यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार भाग में यह फॉर्म जो कि अपना भरेंगे। तो पहला भाग यहाँ पर भरने के लिए आवेदन का विवरण, सबसे पहले जो कि पहला भाग में आवेदन का विवरण यहाँ पर भरेंगे। आवेदन का नाम, आवेदन के पिता या पति का नाम, यहाँ पर देख रहे हैं आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कि आधार नंबर यहाँ पर जो कि आवेदक का यहाँ पर जो कि भरेंगे, भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरने के बाद जो कि सुरक्षित कर पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर आवेदक का नाम जो कि टाइप कर लेते हैं। तो इस तरह से आवेदक का नाम, आवेदक के पिता या पति का नाम जो कि देखिए यहाँ पर मैंने जो कि टाइप करनी है। टाइप करने के बाद जो कि अब यहाँ पर क्लिक करेंगे कि आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे नहीं है तो नहीं पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे नहीं पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक और कॉलम जो कि ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो कि आधार नंबर आप चाहें भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है, तो मोबाइल नंबर जो कि भरनी है। उसके बाद जो कि मंडल चुने, मंडल चुने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जनपद चुने, तो यहाँ पर जनपद में अपना चुन लेंगे। उसके बाद जो कि जो भी आपकी तहसील है, तहसील यहाँ से चुन लीजिएगा। उसके बाद जो नीचे आप देख रहे हैं कंप्लीट पता यहाँ पर भरेंगे, जो भी आवेदक है उनका कंप्लीट पता जो कि भरेंगे। चलिए कंप्लीट पता यहाँ पर भर देते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट पता भर लेंगे। कलम बाद जो कि सुरक्षित करें यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाग दो पे चले आएंगे, यानी कि तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भाग दो पे चले आएंगे। यहाँ पे मृतक का विवरण देंगे, जैसे कि उत्तराधिकारी का आधार यहाँ पे देख रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं चयन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे चयन कर पे आप सभी जो कि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पुरुष खातेदार या महिला खातेदार। तो जो भी खातेदार हैं जिनके नाम से ज़मीन है, जैसे कि पुरुष या महिला, इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ।
चलिए दोस्तों अब अगले कॉलम पे चलते हैं। तो चयन करें पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे खातेदार की मृत्यु जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद जो कि यहाँ पे देखिए खातेदार का नाम यानी जिनके नाम से जमीन है उनका नाम जो कि खतौनी में देख लीजिएगा, जिस तरह से खतौनी में यानी कि नकल में दिया गया है उसी तरह से सेम नाम जो कि यहाँ पे टाइप करेंगे खातेदार का। उसके बाद जो देखिए क्या खातेदार की मृत्यु COVID-19 से हुई थी तो हाँ या नहीं, तो इस तरह से नहीं पे क्लिक है। अगर नहीं हुई थी नहीं पे रहने दीजिएगा। यहाँ पर मृत्यु की तिथि यानी कि किस तारीख को मृत्यु हुई थी, तो सबसे पहले जो कि चयन करें पे क्लिक करेंगे, खातेदार की मृत्यु की तिथि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद जो कि यहाँ पे तारीख जो कि सेलेक्ट करेंगे, जिस तारीख को मृत्यु हुई थी वह तारीख जो कि कैलेंडर से यहाँ पे तारीख जो कि सेट कर लीजिएगा। करने के बाद जो कि अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे खातेदार के पिता या पति या संरक्षक का नाम, तो इस तरह से चयन करके क्लिक करेंगे, पिता या पति संरक्षक जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो कि इनका नाम जो कि यहाँ पे टाइप करेंगे, पिता या पति संरक्षक का नाम, चलिए नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद जो कि मृतक मृतक का विवाहिता पुनर्विवाहिता को संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत यहाँ पर देखिए चयन कर पाएंगे। उसके बाद जो कि यहाँ पर उत्तराधिकारी से तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद जो कि यहाँ पर देखिए जो कि मंडल चुने जो भी मंडल है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो कि जनपद जो भी जनपद है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे तहसील चुने तहसील जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो कि परगना, यह परगना आपको नहीं मालूम है तो आप अपने खतौनी पे देखिएगा यहाँ पे दिया रहेगा परगना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद जो कि अब यहाँ पे ग्राम जो भी ग्राम है यहाँ पे ग्राम जो कि इस तरह से लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे ग्राम यानी कि विलेज जो कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ। करने के बाद जो कि यहाँ पे कंप्लीट पता यानी कि पूरा पूरा पता यहाँ पे जो कि टाइप करेंगे, चलिए पूरा पता यहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद जो कि अब यहाँ पे आएंगे आधार संख्या, आधार संख्या है तो यहाँ पे दीजिएगा, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो कि मोबाइल नंबर, चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद जो कि सुरक्षित करें यहाँ पे क्लिक करेंगे, चलिए सुरक्षित करें पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं भाग तीन पे चले आएंगे, यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे स्टेप तीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से आ जाएंगे, भूमिका विवरण यहाँ पर देंगे, सबसे पहले जो कि मंडल अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो कि यहाँ पर देखिए जो कि खातेदार की संपत्ति की कुल डाटा भूखंडों की संख्या यानी कि सबसे पहले जो कि मंडल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो मैंने जो कि कर लिए। करने के बाद जो कि जनपद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कि तहसील जो भी तहसील है तो तहसील चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ भी खातेदार की भूमि है वहाँ का विवरण जो कि यहाँ पर देंगे। उसके बाद जो कि परगना तो परगना चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद जो कि यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं ग्राम चुने जिस ग्राम में उनका जो कि भूमि है यानी कि जमीन है तो ग्राम जो कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, या खतौनी पर दिया रहेगा सारा डिटेल वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए जो कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह से ग्राम जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं भूखंडों की संख्या यानी कि कितना जो कि उनके पास भूमि है, अलग अलग जो भी जो कि गाटा संख्या होगा, तो इस तरह से आप जो कि 1, 2, 3, 4 जो भी है यहाँ पे गाटा संख्या इस तरह से आप जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो करने के बाद जो कि यहाँ पे गाटा संख्या जो कि सबसे पहले जो कि इंटर करेंगे, जो स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं यहाँ पे गाटा संख्या रहेगा, इसको जो कि इंटर कर लेंगे। उसके बाद जो कि यहाँ पे आप सब देख रहे हैं खतौनी खाता का विवरण, तो इस तरह से देखिए यही गाटा संख्या इंटर करेंगे तो यह जो कि लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से देखकर जो कि सही बिल्कुल जो कि कीजिएगा, जैसे कि खाता संख्या यहाँ पर रहेगा, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद जो भी यहाँ पे खातेदार है उनका नाम भी रहेगा। इस तरह से आप जो कि देखकर जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह से आप जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद जो कि नीचे आप देखेंगे इस तरह का डिटेल जो कि यहाँ पे इंटर होकर आ जाएगा, जो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं इस तरह से आ जाएगा। जो आप अब देखें गाटा संख्या, गाटा यूनिक कोड भी यहाँ पे आ जाएगा, जो यूनिक कोड देखें, क्षेत्रफल जो भी है यहाँ पे देखें, खतौनी की खाता संख्या यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद जो कि यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो चलिए सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं। चलिए सुरक्षित करें पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देखें चौथे स्टेप पर आ जाएंगे, वहाँ पर देखिए जो कि वारिसों की संख्या, तो सबसे पहले जो कि जितने भी वारिस हैं इसमें जो कि भूमि में 1, 2, 3, 4 जो भी वारिस हैं यहाँ पे संख्या सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो कि वारिसों का विवरण, तो जैसे जितने भी वारिस हैं जिनके नाम आप जो कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनका नाम जो कि यहाँ पे सबसे पहले जो कि टाइप करेंगे। उसके बाद जो कि पिता या पति का नाम चयन करें पे क्लिक करेंगे, पिता या पति चाहे संरक्षक यहाँ पर सेलेक्ट सबसे पहले जो कि करेंगे। करने के बाद जो कि यहाँ पे आप सब देख रहे हैं पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे पिता या पति संरक्षक का नाम जो कि टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जो कि आप देख रहे हैं वारिस की उम्र यानी कि जो भी वारिस हैं जिनके नाम ट्रांसफ़र करें उनका उम्र कितना हुआ है, तो सबसे पहले जो कि उम्र जो कि आधार कार्ड से देखकर आप जो कि काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर उम्र जो कि इस तरह से आ जाएगा लिस्ट, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो कि खातेदार से संबंध क्या है वारिस का, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो दिया रहेगा, जो भी संबंध है इस तरह से यहाँ पर लिस्ट रहेगी, इनमें से देखकर आप जो भी संबंध है यहाँ पे आप सभी जो कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे खातेदार के संबंध में यहाँ पे जो कि मैंने जो कि सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सभी जो कि कर लेंगे। करने के बाद जो कि वारिस का यहाँ पे पता, जो भी वारिस है उनका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे जो कि भरेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट एड्रेस भरने के बाद जो कि वारिस जोड़े इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वारिस जोड़े पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा पेज यह जो कि लोडिंग होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद जो कि नीचे सभी आप सभी जो कि देखेंगे इस तरह से जो कि उनका डिटेल जो कि जोड़कर यहाँ पर जो कि आ जाएगा। इस तरह से देखें वारिस का डिटेल यहाँ पर जो कि आ चुका है। तो आप सभी जो कि बारी बारी से जितने लोगों को वारिस जो कि इसमें जो कि रखना चाहते हैं तो इस तरह से उनका डिटेल जो कि जोड़ लेंगे। जैसे मैंने तीन लोगों को यहाँ पे जो कि डिटेल जो कि जोड़ लिया हूँ, तीन लोगों को वारिस रखना चाहता हूँ। इस तरह से आप सभी जो कि जितने लोगों को वारिस जो कि बनाना चाहते हैं इस तरह से बारी बारी से जोड़ लेंगे। इस तरह से डिटेल जो कि नीचे आता रहेगा। अगर जो दोस्तों जो भी वारिस जोड़े हैं इसमें से कुछ भी गलत लग रहा है तो आप सब सभी जो कि हटाए पर क्लिक करके इसको हटाकर दोबारा जो कि जोड़ पाएंगे। इस तरह हटाए पर क्लिक करेंगे हट जाएगा, जोड़ पाएंगे, या संशोधन करें पर क्लिक करके संशोधन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सुरक्षित करें यहाँ पर क्लिक करके सुरक्षित करता हूँ। इस तरह से सुरक्षित करें पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आप सभी देखेंगे कि इस तरह का एक जो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। यानी कि जो भी आप यह देख रहे हैं एक बार जो कि इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें सही है या गलत है इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से चेक करेंगे या संशोधन करें पे क्लिक करके आप इसको संशोधन भी कर सकते हैं। तो चलिए सब कुछ सही है तो सुरक्षित करें पे मैं दोबारा जो कि मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर सुरक्षित करें पर मैं क्लिक करूँगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आप सभी जो कि देख पाएंगे कि आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, कंप्यूटरकृत आवेदन संख्या। तो यहाँ पर देखिए जो कि यह आवेदन संख्या आपका है, OTP सफलतापूर्वक भेज गया है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि सफलतापूर्वक जो कि भेज गया है, यानी कि आपको मोबाइल नंबर पे भी इस तरह का जो कि आवेदन संख्या आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर इसमें जो कि इंटर किए हैं उस नंबर पे भी आ जाएगा। तो इस आवेदन संख्या को यहाँ पे कॉपी करेंगे। चलिए मैं कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ कॉपी करेंगे और जो कि ऊपर आएँगे मुख्य पृष्ठ पर चलेंगे। चलिए जो कि यहाँ पर मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो कि इस तरह से मुख्य पृष्ठ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका आवेदन संख्या रहेगा, इस आवेदन संख्या यहाँ पे जो कि आप सभी जो कि देख पाएंगे। उसके बाद जो कि आप देखें आवेदन नेपाल हल्का, इस तरह से एड्रेस रहेगा, यानी कि आपका एड्रेस जो भी है वहाँ के नेपाल को अग्रेषित कर दी गई है। तो इस तरह का यह जो भी आपका आवेदक यानी कि रहेगा, आवेदन रहेगा, या आपके हल्के का नेपाल जो भी रहेंगे उनको जो कि यह अग्रेषित कर दिया जाएगा, उनके पास जो कि यह फॉर्म जो कि पहुँच जाएगा। और यह फार्म को जो कि सबसे पहले जो कि प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के लिए इस तरह से प्रिंट करेंगे और नेपाल को आप स्वयं जाकर आप जो कि दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आवेदन संख्या पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप सभी जो कि इस फॉर्म को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए आवेदन संख्या पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आवेदन संख्या पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का यह आवेदन फॉर्म जो कि यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे। इस तरह से देखिए आवेदन फॉर्म आपका है, यहाँ पे डिटेल जो कि देख पाएंगे। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आप सभी जो कि इस आवेदन फॉर्म को जो कि प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद जो कि अपने हल्के के नेपाल को आप सभी जो कि लाकर दे दीजिएगा। इस तरह से अपना जो कि दे देंगे। देने के बाद जो कि जो भी वरासत आपका है यह वरासत आपके नाम जो कि हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी जो कि घर बैठे आप जो कि ऑनलाइन घर बैठे अपना वरासत जो कि ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।